मनसे नेता अमित ठाकरे ने किया संपर्क कार्यालयों का उद्घाटन। एनएमएमसी चुनाव में जोर आजमाएगी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मनसे के युवा नेता अमित ठाकरे ने आज नई मुंबई में पार्टी के कई जनसंपर्क कार्यालयों का उद्घाटन किया। वासी, कोपरखेरने और बेलापुर में प्रारंभ हुए इन जनसंपर्क कार्यालयों से मनपा चुनाव में प्रचार प्रसार और नगर सेवकों की लड़ाई का आगाज होगा। नई मुंबई में मन सैनिकों ने अमित ठाकरे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक राजू पाटिल, नई मुंबई शहर प्रमुख गजानन काले समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। मनसे विधायक राजू पाटिल ने अपने युवा नेता अमित ठाकरे के इस दौरे को नई मुंबई मनपा चुनाव के लिए संजीवनी बताया और कहा कि नई मुंबई के समतोल विकास के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव में जोर शोर से उतरेगी। आमचे पक्ष जोमाने इकडे उतरलेले आहे। तुम्ही बघाल तर कोरोना काळात तो कुठला पक्ष रस्त्यावर उतरला असेल तर तो एकमेव मनसे हा पक्ष होता। आणि आमचे रावसाहेब नेहमी सांगतात की लोकांची मन जिंका, मतं तुम्हाला आपोआप मिळतील, मतांसाठी राजकारण करू नका। तर मला वाटतं आमच्या मुलांनी सर्वांनी सहकार्याने ते कामं केलेली आहेत आणि जरूर आम्ही त्याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी हे सगळं आता उतरलो येतो। परंतु आम्ही इथे सर्व जागा लढण्याच्या हिशोबात तयारीत केलेली आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व कामाला पण लागलेलो। मनसेचा अजेंडा म्हणजे आता नवी मुंबई बघाल तर तुम्ही बऱ्यापैकी कामं झालेली आहेत, जे चांगली कामं झाली ते आम्ही नाकारत पण नाही आहे। परंतु जिथे इथे जे करता येईल, जिथे कुठे भ्रष्टाचार दिसत असेल, कुठे काही गावठाणं वगैरे अशी आहेत की जी अजून व्यवस्थित झालेली नाहीत, अशी बऱ्याचशा समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत। आमचा अजेंडा विकासाचाच असेल, ना की विरोधाचा असेल। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।